हेलो गाइस, मैं हूँ गौरव और आज हमारे साथ एक KTM एडवेंचर 390। सबसे पहले आप फ्रंट में देखोगे तो ये LED हेडलाइट यूनिट आता है इसको, और ये जो है ये DRLs है और यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। आप देख सकते हो एक बग टाइप डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है। और टायर साइज़ की बात करें तो आपको 100x19 इंच के रिम्स मिलते हैं, और ये फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे 320mm के। और ये जो टायर्स है ये ड्यूअल पर्पज़ टायर्स है, आप देख सकते हो। और फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, और ये जो है ये शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए कवर टाइप भी फंक्शन करता है, और वो जो है वो रिफ्लेक्टर्स है, देख सकते हो बाइक को। और ये इसका बड़ा सा इंजन हाउसिंग काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी यहाँ पे। और इंजन की बात करें तो ये 373 cc सिंगल सिलेंडर यूनिट है, 6-speed गियर बॉक्स के साथ आता है, और 42 PHP की पावर और 37 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है 373 cc इंजन के लिए। और ये इसका रियर मोनोशॉक, और ये इसका एग्जॉस्ट, एडवेंचर का एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से आता है, और ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट आपको अलग मिलेगा, देख सकते हो। और ये रियर डिस्क जो है वो 230mm की है, और ये जो है ये ABS की डिस्क है। और रियर टायर की बात करें तो आपको 130x80 R17 टायर्स मिलते हैं। रियर टायर जो है वो 17 इंच का है, और फ्रंट टायर जो है वो 19 इंच का है। रियर से आप लोग देख सकते हो, रियर में आपको LED टेल लाइट मिलती है और LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये जो है ये पैनियर्स कैरी करने के लिए आफ्टर मार्केट लगाया है, ये और ये, और इस साइड भी ये आफ्टर मार्केट है। और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 14.5 लीटर्स की है। और ये जो सीट है आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी सीट आपको फ्रंट में मिलेगी, और रियर सीट भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कुशनी सीट है, तो आपको लॉन्ग टूरिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सीट्स में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। और यहाँ पे अच्छा सा स्टर्डी ग्रैब हैंडल आपको मिलता है, आप देख सकते हो। अभी स्विच गियर्स की बात करें तो यहाँ पे इंजन के लिए स्विच मिलता है, यहाँ पे बाइक ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है ये MID नेविगेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए, यहाँ पे हॉर्न, और यहाँ पे आपको 5 लाइट स्विच मिलता है। और इन मिरर्स की बात करें तो मिरर से व्यू अच्छा आता है, काफ़ी वाइड है ये मिरर्स। अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे कूलन टेम्परेचर मीटर, यहाँ पे ओडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे दिखेगा कि ABS जो है वो रोड मोड में है, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑन है, यहाँ पे टाइम दिखाता है, यहाँ पे फ़ोन बैटरी दिखाएगा अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो, फ़ोन बैटरी और सिग्नल दिखाएगा, यहाँ पे फ्यूल रेंज दिखाता है और डेट Trip 1, और यहाँ पे सारे टेलटेल लाइट्स आपको मिलेंगे। कुछ इस तरह से आपको राइडर्स व्यू मिलेगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नेविगेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, आप देख सकते हो, यहाँ से ही आप नेविगेट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप मोटरसाइकिल के सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो, रोड और ऑफ रोड मोड में डाल सकते हो। ऑफ रोड मोड में पीछे का ABS जो है वो ऑफ हो जाएगा, और MTC मतलब मोटर ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो एडवेंचर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जो कि ड्यूक 390 में एब्सेंट है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी ब्राइट है, डे लाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब अंधेरा होता है तो आपको ये व्हाइट लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको एक नाइट सेंसर भी दिया हुआ है इन लोग ने। अगर आप देखें तो ये अंधेरे में नाइट मोड में चला जाता है, ये देखो ये इसका नाइट मोड है, वापस डे मोड में चला जाएगा ये अभी, तो ये इसका डे मोड आ गया अभी। और ये जो लीवर्स है, क्लच और ब्रेक, ये एडजस्टेबल लीवर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये जो लीवर्स है ये एडजस्टेबल है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो विंडशील्ड लगाई है, एक्सटेंडेड विंडशील्ड, ये आफ्टर मार्केट लगाई है ताकि आपको विंड प्रोटेक्शन अच्छा मिले। तो ये जो बाइक है, जैसे मैंने आपको बताया, 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, तो इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, क्विक शिफ्टर आपको मिलता है, और क्विक गियर डाउन करने के लिए आपको इसमें ऑटो ब्लिपर भी मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस बाइक में आपको फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं प्राइस के हिसाब से, और लुक्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं।
और बम एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करते हैं ये एडवेंचर है। तो कुछ इस तरह से आपको LED दिखेंगे और ये इसका अपर आप देख सकते हो, काफ़ी ब्राइट लाइट आपको मिलेगी, नाइट ड्राइविंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये इसकी टेल लाइट है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है, देखो LED। और ये ब्रेक दबाने पे यहाँ पे LED चलेगी। अब मैं आपको इसके इंडिकेटर्स दिखाता हूँ, और ये इसके LED इंडिकेटर्स फ्रंट में भी आपको सेम मिलेंगे। अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ बाइक की, और ये बाइक की जो कॉस्ट है वो 3,60,000 रुपीज़ है, और 3,60,000 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और वर्थ रहेगी 3,60,000 आपके लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो KTM Adventure 390 के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।